मुझे नहीं जाना है राजू। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे फ्रेंड की शादी है ना, तुम्हें पता है मसूरी कितनी अच्छी जगह है, बड़े बड़े महल, हाथी, घोड़े। वो बात नहीं है राजू, मुझे टेंशन है तुम्हारी दीदी की, उस पुलिस वाले की। अरे कुछ नहीं होगा, इस साल मैं कैसे भी करके लीग में हाई स्कोर बना लूंगा और रणजी में सेलेक्ट हो जाऊंगा। स्पोर्ट्स कोटा में गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाएगा, उसके बाद शादी करेंगे, तुम्हारा और माँ का ख्याल रखूंगा। क्या है? तो क्या हुआ, तुम ही तो हो, देख लो। नित्या, हाय। हाय हाय नित्या। हाय। क्या रे, तुम लोग कभी टाइम पे नहीं आ सकते? ये क्या कह रहे हो, टाइम पे ही तो आए। टाइम पे आने का मतलब कभी कभी लेट आना होता है। ओ, इनको तो कुछ समझता ही नहीं है, क्या करे। नित्या बाय। बाय राजू। राजू तुम ही हो ना? हाँ। तुम्हारी दीदी ने दिया है, इस एड्रेस पे रुकना, मेरे आदमी तुम्हें लेकर जाएंगे। इस लफड़े में अपनी लाइफ स्पॉइल मत कर। तुम्हारी दीदी अगर कांटेक्ट करे तो इन्हें इन्फॉर्म करना, ये रहा नंबर। ए, रुको रुको। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। भाई प्रोजेक्टर ऑफ। दीदी क्या कर रही हो, ये सब रोक दो। बीच में रोकने के लिए ये कोई खेल नहीं है, ये युद्ध है। पर कितने दिनों तक चलेगा? तुम ऐसी बातें मत करो, ये हजारों सालों का युद्ध है। आप बदल गई हो दीदी, आपकी बातें भी बदल गई है, आप बिल्कुल इन लोगों जैसी बात कर रहे हो। उसके बारे में नहीं, अपने बारे में सोच। तू पुलिस वालों के नजर में पड़ा है, वो हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। वो लोग तेरा जीना हराम कर देंगे, तू उनके चक्कर में मत पड़। और सुन, जल्द से जल्द मैं तुझे और माँ को मलेशिया भेज दूंगा। मैं नहीं जाऊंगा। तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं सारी तैयारी कर दूंगा। तो भी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों, किस लिए? उस देश में क्रिकेट नहीं खेलते हैं ना। ओह क्रिकेट, अमीर लोगों की गुलामी करने वाला बर्बादी का खेल है ये। अंग्रेज जाते जाते छोड़ गए थे इसे, इंपीरियलिस्टिक गेम। लेकिन इस बात का गेम से क्या संबंध है? संबंध है। शांत हो जाओ भाई, कितने दिनों बाद साले से मिले हो, मजाक करना चाहिए, इसे डरा क्यों रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुमने सचिन तेंदुलकर को देखा है क्या? एक बार मिला था भाई, हैदराबाद में क्रिकेट खेलने आए थे, तब मिला था। लेकिन राजू इतने सारे गेम्स है, फिर तुझे क्रिकेट ही क्यों पसंद? कोई भी गेम खेलो तो एक ही पॉइंट एक ही गोल, लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं है। क्रिकेट में एक बॉल में सिक्स भी मार सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। जंबू सर, जंबू सर, जंबू सर। बोलो, बुलाए तो इन्फॉर्म करना। ए, हमें पहले इन्फॉर्म करता, हम बैकअप लेके आते, उन्हें पकड़ लेते। कितने सालों से वो कांस्टेबल था, कल एसआई बना था, 15 दिन के बाद उसकी बेटी की शादी होने वाली है। सरदार, इसे नहीं छोड़ूंगा सर। नहीं, इसे कहां मारूं ताकि वो फेक एनकाउंटर ना लगे, ये मुझे अच्छी तरह पता है। सुन,
तुझे, तेरी दीदी को और तेरे जीजा को और उनकी मेंटल सेना सबको बर्बाद कर दूंगा। मरे हुए मुरली साहब की कसम, जा। राजू की माँ ने दिया है भगवान दास को देने के लिए। ठीक है। इतनी गर्मी में चाय पी रहे हो? अब तो आदत पड़ गई है यार। सेठ जी दुकान पर ध्यान रखिएगा, मैं बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? भगवान दास को 1,00,000 रुपए देने थे, वही दे के आता हूँ। देखो ईश्वर, पैसों का एक उसूल होता है, बाएं हाथ से दाएं हाथ में आने पर भी हमें कुछ लाभ होना चाहिए। अरे चुप हो जाओ सेठ, उस भगवान दास को अगर 4 दिनों में पैसे नहीं मिले ना तो पागल कुत्ते की तरह भौंकेगा और सीधे वो यहाँ आ जाएगा। आएगा, मैं परसों जेल गया था ना। उस बाबा को ब्लू फिल्म वाली सीडी देने के लिए? तुम्हें 100 बार बोला है मैंने, उसने मुझसे सत्य हरिश्चंद की सीडी मांगी थी और मैंने उसे वही दी है। अब बीच में ब्लू फिल्म आ गई तो मैं क्या करूं? सेठ जी आप बताओ। जेल में मेरी एक से पहचान हुई थी। जिंदगी में कब कौन कैसे हमारे साथ कनेक्ट होगा ये तो किस्मत लिखने वाले ब्रह्मा जी को भी नहीं मालूम। सीनू भी मुझे कुछ ऐसे ही मिला था। कुछ ही दिनों में हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। हम दोनों की सोच एक दूसरे से मिल गई। बाद में मुझे बेल मिली। बाहर जाके इस नंबर पर फोन करना, मेरे आदमी मिलेगा। सीनू के बेल के लिए पैसे नहीं है सर, आप ही कुछ अरेंज कर दीजिए। पैसा? सीनू को बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं है। प्लीज, पैसे सर, के बारे में मुझसे कोई बात मत करो। सर 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 एक मिनट सर। सर मेरे पास ये चेन है, इसे किसी दुकान पर बिकवा दीजिए ना। हाँ? सोना है क्या? मुझसे नहीं होगा ये। सर प्लीज सर, हम बहुत परेशान है सर। हम लोग रामपुर के रहने वाले हैं, नाम तो सुना होगा आपने। चोरी के लिए बदनाम है, कई दुकानों के ताले तोड़कर बहुत सारा सोना जमा किए हैं, लेकिन वो सब कुछ गांव में है। पुलिस हमारे पीछे पड़ी है, हम इसे बेचने गए तो पहचान लिए जाएंगे। हमारी मजबूरी समझिए सर, आप इसे यहीं कहीं बिकवा दीजिए ना सर। आपकी हमारी अच्छी ट्यूनिंग है, अच्छे से घुल मिल गए हैं, इसलिए आपको एक ऑफर देना चाहते हैं। नहीं, ऑफर के लिए मैं नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानेगा? पैसे अच्छे मिलेंगे तो प्रॉब्लम क्या है? मुझे पैसों से ज्यादा फ्रेंडशिप की जरूरत है। तो फिर दारू और सोडा मिलने जैसा फ्रेंडशिप और पैसा नहीं मिलता है। सीनू पैसा बोल रहा है ना, तो रुक तो बोल। हम लोगों के पास बहुत सारा सोना है लेकिन हम उसे कहीं बेच नहीं सकते। इस वक्त मार्केट में 1 किलो सोने का भाव 5 लाख है, पर उसे हम आपको हाफ रेट में देंगे। फिर उसे किसी भी ज्वेलरी की दुकान में बेचेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा होगा। 1 लाख इन्वेस्टमेंट, 2 लाख प्रॉफिट, क्या बोलते हो? लाख नहीं 2 लाख रुपए, बाकी का इन्वेस्टमेंट मेरा। भगवान दास को पैसा नहीं दिया तो लफड़ा हो जाएगा भाई। तो हम लोग सीधे वहां पहुंच गए। दोस्त मैं हूँ। अबे तू चिल्ला मत, सब ठीक है ना? मीट माय फ्रेंड। हेलो। और ये परिचय देने का टाइम नहीं है, हम लोगों के ऊपर पुलिस की नजर होगी, वो लोग कहीं भी हो सकते हैं, हम लोग संभल के चलना होगा। पहले वो गाड़ी भिजवा दो, मैं आगे निकलता हूँ, तुम लोग 10 कदम पीछे चुपचाप चले आओ। ये हम लोगों के बड़े भाई हैं, परसों अमलापुर में चोरी करने के बाद दीवार फांदते हुए बेचारे का पैर टूट गया, उसके बाद 2-3 बार क्या हुआ पता? मेरे बारे में क्यों बता रहा है? कितना चाहिए? 1 किलो। क्या भाव बताया? 2 लाख। क्यों रे सीनू, 3 लाख बोला था ना? भाई वो मेरा दोस्त है इसलिए डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट देने वाला तू कौन है? हम लोग अपने हाथ पांव तोड़वाकर इतनी मेहनत से ये सब जमा करते हैं, तेरा क्या हक बनता है? तू कौन है बे? बस इतना ही भाई, मेरे बारे में हमेशा ऐसे ही करते हो। उस दिन सुपर राव को इससे भी ज्यादा कम करके दे दिया, तुम्हारे लिए कितनी बार मैं जेल गया, तुम मुझ पर दया नहीं करते। रोना बंद कर, उसी रेट में लेकर जाओ। अरे ज्यादा मत घिसो भाई, 24 कैरेट का है। अरे इतना बड़ा शरीर लेके कहाँ भागू? सॉरी छोड़ दो नहीं। सुनो सुनो इधर इधर। सॉरी दोस्त, किसी दलाल ने कंप्लेंट किया होगा। तुम लोग पुलिस के हाथ मत लगो, तुम लोग यही रुको, मैं सोना लेकर के आता हूँ। तुम लोग पुलिस के हाथ मत लगना, मैं आता हूँ। लगता है बारिश होने वाली है, ये सीनू अब तक आया नहीं। लगता है पुलिस वालों से मिला होगा। अरे वो तुमसे पहले ही भाग गया था, वो कैसे मिला होगा? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम्हें सीनू पे शक है? हाँ, यहीं पर आया था ना। झोपड़ा कहाँ है? अरे भाई साहब, यहाँ पर एक झोपड़ा था ना। आप लोग सोना बेचने वाले हो क्या? हाँ, वही। सोना खरीदते वक्त कोई रेड हुआ था क्या? हाँ। पागल लोग,
सोना बेचने वाले भी वही हैं और रेड करने वाले भी वही, चोर भी वही और पुलिस भी वही। ए, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सब लोगों ने मिलकर किया था ना? तेरी तो मेरी सब किसी वजह से। थोड़ी गाली में तुझे। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, नाउ विल बी सिलेक्टिंग दिस ईयर रणजी टीम। फिलहाल हमारे दो प्लेयर्स के फॉर्म में ना होने की वजह से और दो प्लेयर्स के रिटायर होने के कारण नए चार प्लेयर्स को हम चांस देंगे। ओके, लेट्स गेट गोइंग। सर, डॉक्टर जी का बेटा राम कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हाँ, राम ना, ठीक है। वो भीमराव का बेटा श्रीपति ऑफ स्पिनर, इस सीजन में 52 विकेट्स लिया है। इज इट इंप्रेसिव? गुड। सर, हमारा वो लड़का, मुझे पता है, इस साल का टॉप स्कोरर। सर, आप यहाँ क्यों? आना नहीं चाहिए था? इस सिलेक्शन कमिटी को ऑनरेबल चेयरपर्सन, एडीजी रैंक, आईपीएस ऑफिसर, मतलब मैं हूँ। वो क्या है सर, जनरली ऐसी मीटिंग में चेयरपर्सन लोग नहीं आते हैं, मेंबर्स पे ही छोड़ देते हैं। नो, मैं छोड़ूंगा नहीं। गिव मी द लिस्ट। सर, ये है प्लेयर्स लिस्ट। थैंक यू। हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे। सर, क्या हुआ सर? सर, आप गलत कर रहे हो। स्पोर्ट के साथ दूसरे इश्यूज को लिंक करना करेक्ट नहीं है सर। तू अपना मुंह बंद रख। उसकी वजह से 5 लोग मारे गए हैं। पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए, नहीं किया तो तुम सबको पता है क्या होता है। क्रिकेट मतलब जेंटलमैन्स गेम है ना, तो इसमें क्रिमिनल्स क्यों खेल रहे हैं? उसकी दीदी कहती है पूरा गवर्नमेंट ही गलत है, कहती है कानून गलत है, और वो कहता है इंडिया के लिए खेलेगा। अगर किसी भी मैच में उसे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला तो कैमरा के सामने माइक पकड़ के अपनी फैमिली के बारे में क्या बताएगा? सर, इससे उसका लिंक क्या है सर? शट अप, जस्ट शट अप। अपना मुंह बंद रखो, उसी में बेहतरी है। रोकल क्या है उसका पता है क्या? उसकी जरूरत लगेगी। राजू, तुम्हारे घर में नेक्स्टलाइट सिलेक्शन कमेटी में पुलिस वाले के रहने तक मुश्किल है राजू। सॉरी।